हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने कान्हा जी के लिए पैंट और टॉप बनाएंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने 8 इंच ली है। और ये हम पैंट बनाएंगे इससे, और ये मैं टॉप बनाऊंगी। टॉप की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, लंबाई इसकी 3.5 इंच ली है। और ये डोरी ली है गले पर बांधने के लिए, इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है, लंबाई इसकी मैंने 9 इंच ली है। सबसे पहले हम इसे कपड़े को लेंगे, ये हमारा पेंट वाला कपड़ा है, फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हम नेफा बनाएंगे। नेफा के लिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड और लगाएंगे, नेफा बनाएंगे, इसे हम चौड़ा बनाएंगे। इसे पक्का कर लेंगे। और ये चोली के लिए कपड़ा है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये एक तरफ हम इस तरह से काटेंगे। इसकी दो साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बना हमारा। मेरे पास ये वाली लेस है, अब यहाँ पे लगा दूंगी मैं यहाँ पे। ये मेरा नेफा है और यहाँ पे नीचे की तरफ लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह से लगा ली। अब यहाँ पे चोली है, यहाँ पे भी मैं लगा लूंगी। लगे टॉप टॉप के दोनों साइड से लेस लगा ली मैंने। अब यहाँ पे हम गले पर बांधने के लिए पट्टी लगाएंगे, इसके बीचा बीच में हम निशान लगा लेंगे वैसे। इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से।
यहाँ पे डोरी लगा ली बांधने के लिए। इसे बीचा बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे बीचा बीच में। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। नेफा को छोड़ेंगे, नेफा के नीचे से हम सिलाई लगा लेंगे। और हम इस तरह से फोल्ड कर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये दोनों साइड हम इस तरह से खोलेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इसके बीचा बीच में इस तरह से। अब इसे हम सिलाई को निशान से मिला लेंगे। ये हमारा बीचा बीच में हो गया। अब हम एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। दोनों साइड निशान लगा लेंगे और यहाँ पे गोलाई में लगा लेंगे। एक बार और लगा लेंगे। अब इसे हम काट लेंगे सिलाई से छोड़ के दोनों साइड से। अब हम इसे इस तरह से खोल सीधा करेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। तैयार हो गई। इसमें आप डोरी डाल सकती हैं या इलास्टिक डाल सकती हैं। मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। तरह से मैंने ये छोटी वाली पिन ली है। इसके नेफा के अंदर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से मैंने इलास्टिक डाल ली और इसे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से सुई की हेल्प से। इसे इस तरह से कर लेंगे। अंदर चली जाएगी ये हमारी इलास्टिक। इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई। इसे हम इस तरह से अपने कान्हा जी को गले में डालेंगे और यहाँ पे बांधेंगे और इसे हम इसके अंदर दबा देंगे जब हमारी कान्हा जी पहनेंगे तो। इसके अंदर डांगरी बनके तैयार हो गई। और ये हमारी पैंट है और ये हमारे टॉप हो गया इस तरह से। और मेरे ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस इसी तरह की अपलोड हो गई है मेरे चैनल पर। आप वहाँ जाके इसे पहनाना सीख सकती हैं। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।